हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय मेन मंथली एमटीएस वीडियो। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव अ लॉट ऑफ एमटीएस दिस मंथ, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आल्सो वेरी हेल्पफुल। मेक श्योर टू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स। मैंने इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप क्लिक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्टली अमेजन से परचेज भी कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरिट विको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट oil. I have talked about this coconut oil in many of my previous videos. I absolutely love using this coconut oil क्योंकि ये आपके hair को ना काफी healthy बनाता है. If you have dry, damaged, rough hair, then you should try this one क्योंकि ये आपके hair को overnight ही repair कर देता है, soft बना देता है. But अगर आपके पास overnight इसे रखने का time नहीं है, then just apply this 15 to 20 minutes before shampooing your hair and ये आपके hair को इतना ज़्यादा repair करता है. So just try this one. ये trial है, ये आई थिंक इट रिटेल्स फॉर जस्ट 235 रुपीज, लेकिन मैंने इसे अमेजन से डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, यू कैन चेक फ्रॉम दैट। और हाँ, इसके ना फुल साइजेस भी अवेलेबल है जो कि और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एंड दिस इज गुड फॉर स्किन एज वेल एंड फॉर योर लिप्स ऑल्सो। Next, I have another product empty which has become my cult favorite. This is Neutrogena Bright Boost Illuminating Serum. This serum is so amazing, but हाँ, इसमें ना छोटे छोटे very fine and mild glitter particles है which will be visible just on the sunlight. Otherwise, अगर night time में या फिर अगर आप indoors किसी भी function पे जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, then you should try this one. ये इस तरह के ना ड्रॉपर फॉर्म में आता है एंड दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एज वेल, एंड मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये जस्ट आप अपने मॉइस्चराइजर के बाद इसे अप्लाई करें, इफ़ यू वॉन्ट आप सिर्फ इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, इल्यूमिनेटिंग और ये इतना ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है ना आपके फेस को। आप मेकअप भी ना करें फिर भी योर फेस विल जस्ट बी ग्लोइंग। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, 1299 रुपीज़ का है ये, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अमेजन पे मिल जाएगी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इल्यूमिनेटिंग सीरम्स वगैरह या फेस को ग्लोइंग, नेचुरली ग्लो करना पसंद है, देन यू शुड जस्ट गिव दिस वन अ ट्राई। नेक्स्ट, आई हैव वन हेयर सीरम एमटी दिस मंथ। ये है लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम। ये बहुत ही अच्छा एक हेयर सीरम है। मैं इसे क्या करती थी, रात को सोने से पहले अपने हेयर एंड्स पर अप्लाई करती हूँ एवरी सिंगल नाइट एंड सुबह। रात को जब हम अप्लाई करते हैं, ये इसमें थोड़ा सा ऑयलीनेस है तो हेयर काफी ज्यादा ऑयली लगता है, बट सुबह जब आप उठेंगे ना तो हेयर पूरा सोक कर लेता है इस सीरम को एंड इतना मॉइस्चराइज्ड, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाता है। दिस इज गुड टू रिपेयर स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम एज वेल। सो एक बार जरूर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसको ना बेस्ट अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप ओवरनाइट इसे रख दीजिए एंड सुबह जब आप उठेंगे तो हेयर बहुत ही ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। समर सीजन्स में मुझे टोनर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है एंड पिछले महीने मैंने शेयर किया था अमेजन हॉल में कि मैंने गुड वाइब्स का ये कुकुम्बर टोनर और एल्ब्स गुनेस का रोज टोनर ट्राई किया था। रोज टोनर तो खत्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने दूसरा एक टोनर रिफिल किया है, बट ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है एंड दिस इज गुड वाइब्स कुकुम्बर ग्लो टोनर। ग्लो का तो पता नहीं बट हाँ, टोनर का काम ये करता है। कुकुम्बर में थोड़ा सा एंटी टैनिंग इफेक्ट होता है विच इज वाई दिस इज परफेक्ट फॉर समर। सो आई थिंक अगर आप एंटी टैनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं देन आप इस टोनर को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। ये स्प्रे बॉटल में आता है, दिस इज फॉर 120 ml एंड दिस रिटेल्स फॉर 215 रुपीज, बट ये आपको अमेजन पर डिस्काउंटेड प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बट इसका फ्रेग्रेंस एकदम कुकुम्बर जैसा है, ज्यादा मुझे रिफ्रेशिंग इसका फ्रेग्रेंस नहीं लगता बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कुकुम्बर फ्रेग्रेंस, बट रोज का फ्रेग्रेंस काफी अच्छा लगता है। इसमें कई सारे वेरियंट्स है तो आप डिफरेंट वेरियंट्स भी ट्राई कर सकते हैं according to your necessity, according to your skin type. Next, I have 3 concealer empties this month. ये है Swiss Beauty Liquid Concealer. मैंने कई सारी अपनी मेकअप वीडियोस में इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड ये एकदम खत्म हो चुका है। इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट बाकी है, स्टिल आई एम यूजिंग दिस क्योंकि जो मैंने दूसरा ऑर्डर किया था ना वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। सो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड इसमें मेरा शेड है 02 सैंड सेबल। नेक्स्ट जो है वो है मेबेलिन फिटमी का कंसीलर। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट ये थोड़ा सा प्राइसी है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये इतना अफोर्डेबल है और इससे कंपेरिजन अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा सा प्राइसी है, बट हाँ ये ऑक्सीडाइज कम होता है, बट स्विस ब्यूटी वाला काफी ऑक्सीडाइज होता है, तो आप
अपने फेस से थोड़ा सा लाइटर अगर शेड अप्लाई करोगे ना, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपके शेड का ही दिखेगा। और ये जो है ना, ये उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी हाईलाइटिंग शेड या फिर कोई भी नॉर्मल शेड भी चूज कर सकते हैं। मेरे पास दो शेड्स हैं, एक है 25 मीडियम एंड दूसरा है 20 सैंड। 20 सैंड मेरे स्किन के लिए एकदम परफेक्ट शेड है, मेरे स्किन टोन से मैचिंग है। 25 मीडियम थोड़ा सा डार्कर है मेरे स्किन टोन से, बट कभी कभार मैं डार्कर कंसीलर अप्लाई करती हूँ एंड उसके ऊपर मैं ये लाइटर वाला कंसीलर अप्लाई करती हूँ, तो जो डार्कनेस है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ज़्यादा ग्रे नहीं दिखता कंसीलर। सो ये हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक फाउंडेशन आप एक शेड का अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप कंसीलर दो शेड्स को मिक्स करके अप्लाई करते हैं देन वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर माय नेम मंथली एमटीएस वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।